सुचित्रा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इतने सालों तक मोहित को फॉलो करते रहने के बाद वो उसके नेचर को अच्छी तरह से समझती थी। अगर एक बार मोहित ने फैसला कर लिया तो फिर उसका माइंड चेंज करना मुश्किल था। लेकिन वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। इतनी आसानी से वो विदुषी शर्मा नाम के छोटे से स्टार को उसकी फैमिली हेडक्वार्टर्स में कैसे घुसने दे सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि भाटिया फैमिली एक बहुत बड़ा घराना था, लेकिन दादाजी ने शादी के मामलों में कभी भी हैसियत की ज्यादा परवाह नहीं की थी। उन्होंने मोहित पर भी भरोसा किया था, और अगर मोहित वाकई में विदुषी के साथ रहना चाहता है तो दादाजी कभी भी उनके रिश्ते के लिए ना नहीं करेंगे। सुचित्रा ने अपना मुंह फुला लिया। कभी नहीं, उसने सोचा। इतने लंबे समय तक मोहित का इंतजार करने के बाद मैं किसी दूसरी लड़की को अपने से आगे कैसे जाने दे सकती हूँ। मोहित को बाय करने के बाद उसका दिमाग तरह तरह के ख्यालों से भर गया था। हाल ही में विधि ने म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल कॉन्सर्ट में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म कर ली थी, और उसने अपने दूसरे सभी काम भी खत्म कर लिए थे। फैंटम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, इसलिए उसने अपने घर में अकेले रहने का फैसला किया और अपना हर दिन अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करने, धूप में बैठने और तभी के साथ खेलने में बिताया करती थी। उस दिन वो लिविंग रूम में बैठी चाय पी रही थी और तभी भी उसके पैरों के पास आलस करके पड़ा हुआ था। तभी मोहित अंदर आया और उसने विधि की तरफ देखा। विधि ने बहुत सुंदर दिखने वाला हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था। मोहित मुस्कुराया और पूछा, विदुषी क्या तुम नए साल में मेरे साथ मेरे दादाजी से मिलने के लिए मेरे घर चलना चाहोगी? विधि एकदम से चौंक गई और उसने अपना सर झुका लिया। आपके दादाजी के पास जाना है? हाँ, मोहित ने कहा। अब तो हमने अपने रिश्ते को पब्लिक के सामने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो फिर मेरे दादाजी से मिलने के लिए फैमिली हेडक्वार्टर्स में जाने पर उन्हें अपनी इस प्यारी सी गर्लफ्रेंड से मिलवाने में क्या हर्ज है? उन्हें भी तो देखने दो कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी खास है। लेकिन कहते कहते विधि एकदम से रुक गई। उसे याद आया कि थोड़े समय पहले भी जब मोहित ने उससे अपने घर के बड़ों से मिलने के लिए पूछा था, तब भी उसने उसे मना कर दिया था। लेकिन मोहित ने उससे ये रिक्वेस्ट उसके मना करने के थोड़े ही समय बाद फिर से की है, लेकिन वो इसके लिए अभी भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। क्या हम इसके लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं? हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो खुशी से मुस्कुराया। तुम बस इसे एक ऑर्डिनरी विजिट ही समझो। देखो ना, अब तो वसंत का मौसम भी आने वाला है, और ऐसे में गुड़ी पाड़वा के समय घर के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये समय बुजुर्गों के लिए बहुत खास होता है, जब वो अपने परिवार के सभी लोगों से मिल सकते हैं। मुझे भी तो अपने परिवार से मिले हुए पूरा एक साल हो चुका है, तब से मैं घर वापस गया ही नहीं हूँ। अगर इस बार भी मैं नए साल में अपने घर वापस नहीं गया तो सच में अच्छा नहीं लगेगा। अपने सभी पोते पोतियों में मेरे दादाजी सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर करते हैं। ये जानने के बाद कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो सच में बहुत खुश हुए थे, और तब से हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए एक बार घर लेकर आ जाऊं। मोहित ने उसे उन क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने फैंटम की हरकतों और उसकी धमकियों के बारे में कुछ भी कहना अवॉइड किया। उसने तो इवन अपने फैमिली के हेडक्वार्टर्स में बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री से रिलेटेड मुश्किलों के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया था। वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि विदुषी इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। विधि अभी भी थोड़ा नर्वस थी। उसे याद आया कि कई साल पहले जब आरव उसे पहली बार अपने परिवार से मिलवाने के लिए लाया था, तो उसके खुद गर्ज परिवार वाले उसे देखकर शॉक हो गए थे और नफरत से भरा लुक दिया था। अब तक वो उसे नहीं भूल पाई थी। वो उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल घरानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और एक बार फिर से उसी तरह की बेइज्जती एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी। मोहित ने उसे फिर से समझाया, क्या तुमको अपनी मम्मी डैडी के बारे में चिंता हो रही है? मेरे दादाजी के घर 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन हम तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलने के लिए जा सकते हैं। बोलो, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? विधि ने अपना सर हिलाया। उसके मम्मी डैडी, जब से उसका रिबर्थ हुआ है तब से वो उनसे सिर्फ 2 बार ही तो मिली है, और उन्होंने 2 बार उसके अगेंस्ट साजिश की थी। अगर वो ऐसा कर सकती तो सचमुच में
वो उन्हें फिर से कभी नहीं देखना चाहती। मोहित ने कहा, तुम नया साल जहाँ भी मनाना चाहोगी वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फैंटम की नज़र उस पर थी और मोहित उसे अपनी नजरों से जरा भी दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने आगे कहा, मैं सचमुच में अपने दादाजी को बहुत मिस करता हूँ। वाकई में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। विधि को यह देखकर बहुत अफसोस हो रहा था कि मोहित एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। विधि ने सर झुकाए हुए कहा, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके लिए कितना दूर जा सकते हैं? पूरे 2 घंटे तक विधि ने अपनी चाय पीते पीते खुद से सवाल जवाब किया। मोहित का खुशी से चमकता हुआ चेहरा और चार्मिंग मुस्कुराहट उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। आखिर में हार कर अपनी फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने गिल्ट को रियलाइज कर लिया था, जो उसने एक इन्फ्लुएंशियल घराने को फेस ना करने के फैसले के बाद महसूस किया था। आखिर मोहित ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने वाकई में मोहित के लिए कभी भी कुछ नहीं किया था। फाइनली उसने सोचा, जो भी हो लेकिन मैं तो जाऊंगी। वैसे भी खाली देखने भर से एक इन्फ्लुएंशियल और अमीर परिवार उसकी जान तो नहीं ले सकता था। अपने अंदर से एक मोटिवेशन महसूस करके उसने मोहित के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं चलूंगी, उसने सेल्फ कॉन्शियस होकर मोहित से कहा। लेकिन मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? मेरा मतलब है दादाजी और आपके परिवार के दूसरे लोगों के लिए नए साल के कुछ गिफ्ट आइटम्स। विधि ने गलती से जिस तरह से दादाजी कह दिया था उसे सुनकर मोहित खुशी से झूम उठा। मोहित ने कहा, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा, तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधि चिंता कैसे नहीं करती, वो खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाई। वो एक विजिटर थी और चाहे कुछ भी हो उसे अपनी सिंसियरिटी तो दिखानी ही थी। मोहित से ये पूछने के बाद कि उसके दादाजी और उसके परिवार के दूसरे लोगों को क्या क्या पसंद है, विधि को रोना आ गया। मोहित ने उन्हें बताया कि उसके दादाजी हमेशा विदेशों में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें टिपिकल ट्रेडिशनल आइटम्स जैसे एंटीक्स और ट्रेडिशनल खिलौने पसंद आते हैं। एंटीक आइटम्स? वो तो ये भी नहीं जानती थी कि क्या उसके पास इतने पैसे होंगे जिससे वो उन एक्सपेंसिव एंटीक्स को खरीद सकती है। उसने अपनी छोटी सी सेविंग को गिनना शुरू किया और उसका चेहरा उतर गया। मोहित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैंने पहले कहा था कि गिफ्ट्स मैं तैयार कर लूंगा, बस तुम उसे अपने नाम से दादाजी को दे देना, एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है, विधि ने अपने दांत पीस लिए। क्या आपको लगता है कि वो इतने बेवकूफ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इतना भी नहीं बता पाएंगे कि गिफ्ट्स किसने खरीदे हैं, जबकि ऑब्वियसली वो मेरे बजट के बाहर का होगा। इस जिंदगी में वो सचमुच काफी दुखी थी। वो चाहे जो भी खरीदना चाहे लेकिन वो कर्ज के बोझ से दब कर रह जाएगी। कभी कभी वो अपनी पिछली जिंदगी के ऐसे समय को भी याद किया करती थी जब वो बिना कीमत देखे आराम से अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लिया करती थी। मोहित एकदम चुप हो गया। ये वाकई में काफी अनोइंग था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप ऊपर वाले से पूछा और आही भरते हुए अपने ब्लैक गोल्ड कार्ड को खाली खाली नजरों से देखने लगा। तुम्हारा बजट क्या है? विधि ने उसे एक फिगर बताई और उसकी आंखों से तुरंत आंसू टपकने लगे। मोहित उसकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसने विवे डांस के एम्प्लॉयज की अगले साल सैलरी बढ़ाने पर भी सोचना शुरू कर दिया। मोहित ने आह भरी और उसे सलाह देते हुए कहा, मैं एक ऐसी दुकान को जानता हूँ जहाँ ट्रेडिशनल आइटम्स के स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास सभी रेंज के ओरिजिनल ट्रेडिशनल आइटम्स हैं। तुम उनसे छोटा सा विंड चाइम या फिर तरकाशी ट्रे खरीद सकती हो, इस तरह की चीजें उन्हें बहुत पसंद आएंगी। हालांकि ये चीजें भी काफी महंगी ही थी, लेकिन इनकी कीमत दूसरे एंटीक आइटम की तरह इतनी ज्यादा भी नहीं थी। विधि फिर से खुश हो गई और ऐसा लगा जैसे कि उसकी जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। वो सीधे दुकान पर चली गई। मोहित भी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसके लिए अपनी चिंता जताते हुए बड़ी बेशर्मी से उसके साथ हो लिया। दुकान को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ पर रखे हुए पुराने नक्काशीदार लकड़ी के पर्दों में एक खास तरह का अपीलिंग चार्म था। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और हवा में चंदन की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। विधि ने एक दुकानदार को बताया कि वो यहाँ पर क्यों आई है और उसे किस तरह की चीज चाहिए। दुकान वाले ने कुछ चीजें लाकर उसे देखने के लिए दी
और एक एक चीज दिखाकर उनकी खासियत बताने लगा। ये हमारे यहाँ हाई क्वालिटी वाली चीजों में से एक है। इसका कलर एकदम पक्का है और ये सब वेजिटेबल कलर है। इसकी नक्काशी बहुत अच्छी तरह से की गई है। ये हरा वाला सिर्फ बांस से बना है। ये स्कॉलर्स के लिए सबसे सही है। ये देखिए, इसके ऊपर एक नक्काशी की हुई है। आप जरा इस गड्ढे को ध्यान से देखिए। इनके आपस में टकराने से झनकार के साथ साथ हवा पास होने की वजह से नॉकिंग साउंड भी निकलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चिड़िया पंख फड़फड़ा रही हो। दुकान वाले ने काफी समय लगाते हुए बड़ी कर्टसी के साथ कई तरह के आइटम्स उसे दिखाए। विधि ने उन सभी चीजों को आश्चर्य से देखा। वो उनके बारे में कुछ भी नहीं समझती थी। उसे अच्छी और खराब क्वालिटी के बीच में फर्क करना भी नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दादाजी को क्या पसंद आएगा। उसने मदद के लिए मोहित की तरफ देखा। मोहित खुश हो गया और उसके मासूम से लुक को देखकर कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था। हाँ हाँ विदुषी, उसने सोचा, अगर तुम मेरे पैसों का इस्तेमाल ना भी करना चाहो तब भी कुछ खरीदने के लिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। मोहित बड़े ही अच्छे मूड में था। उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ विधि को समझाया, ये ओम की नक्काशी के साथ बना हुआ विंड चाइम बहुत सुंदर है। लाल, पीले, हरे, भूरे, बैगनी और नीले रंग के साथ ये स्ट्रॉन्ग कलर टोन और नक्काशी का पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आवाज करता है वो भी भारी है, इसलिए आवाज थोड़ी गूंजती भी है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये टॉप ग्रेड आइटम होना चाहिए। दादाजी को ये जरूर पसंद आएगा। दुकान वाले ने मोहित को बड़े आश्चर्य से देखा। इस आदमी को तो वाकई सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता है। ऑफ कोर्स उसे सब कुछ पता था। जब वो छोटा बच्चा था तब उसने कई चीजें बर्बाद की थी। दादाजी के एंटीक आइटम्स का कलेक्शन अक्सर उसके हाथों से खराब हो जाता था। दादाजी के पास एक सोने और चांदी का खूबसूरत जग हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल वो पानी पीने के लिए करते थे। जब वो मोहित के हाथों से खराब हो गया तो दादाजी ने उसे एक फूलदान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दादाजी को अपने एंटीक के खराब होने पर बहुत दुख होता था, लेकिन छोटे से मोहित ने दादाजी के एंटीक आइटम्स के साथ तोड़फोड़ करना बंद नहीं किया था। दादाजी ने कभी भी अपनी इन एक्सपेंसिव चीजों को किसी को छूने तक नहीं दिया था, लेकिन एक मोहित ही ऐसा था जिसका जब भी मन करता तो वो अपनी मर्जी से उनके कलेक्शन में से किसी भी चीज को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर लिया करता था। वो मोहित ही था जो अपने बचपन में इन बेशकीमती एंटीक आइटम से खिलौने की तरह खेल खेल कर बड़ा हुआ था। शायद इसीलिए उसे लिटिल एम्परर कहा जाता था। लेकिन इस वजह से ही किसी और से ज्यादा मोहित को पता था कि उसके दादाजी के पास क्या कमी है और उन्हें कैसी चीजें ज्यादा पसंद है।